लेकिन ये पूरा खेल जो आप देख रहे हैं, दरअसल अल्पसंख्यक वोटों का ये पूरा खेल है, क्योंकि बंगाल में अल्पसंख्यक वोट करीब 30% है, लिहाजा भाईजान लोगों को भड़काने में जुटे हुए हैं और दीदी को ये बात नागवार गुजर रही है। दीदी के मुस्लिम वोट बैंक में सेंध, खिलाड़ी भाईजानों से दीदी परेशान। गणित गड़बड़ाएगा, इतिहास बदल जाएगा। बंगाल की सियासत 70 और 30 के फॉर्मूले पर कसी जा रही है। बंगाल की सत्ता की धुरी 30 फांसने और 70 को बांटने के आसपास सेट की जा रही है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि ममता दीदी के लिए हिंदू वोटर से ज्यादा अहम है मुस्लिम वोट बैंक, क्योंकि इसी वोट बैंक ने दीदी के लिए सत्ता का द्वार दो बार खोला है। लेकिन इस बार कहानी अलग है। ममता बनर्जी जहां जहां जा रहे हैं बीजेपी को हेल्प कर रहे हैं, अगर आप बोले कैसे, वहां जाके सिर्फ डिवाइड कर रहे हैं, तो बीजेपी ममता बनर्जी मुसलमान को बेवकूफ बना रहे हैं। देखिए, जो वोटर होता है ना, वो किसी की जागीर नहीं होता है। कल तक जो वोट बैंक ममता की झोली में एक मुश्त गिरता था, उसी वोट बैंक के अब्बास और ओवैसी के नए पाले में खिसक जाने का डर दीदी को सता रहा है। সংখ্যালঘু ভাই বোনদের কাছে আমার একটা অনুরোধ থাকবে, একটা ভোটও সংখ্যালঘু ভাগ করবেন না। दीदी के गुस्से और चिढ़ की वजह है फिसलता मुस्लिम वोट बैंक। बंगाल के सियासी समर में ये वोट बैंक हमेशा से सत्ता तक पहुंचने की चाबी रहा है। जरा समझिए कैसे। पश्चिम बंगाल में मुसलमानों की आबादी करीब 30% है, जिसको लेकर बड़ी खींचतान है। 294 सीटों में से करीब 125 सीटों पर मुस्लिम वोट निर्णायक भूमिका में है। 2016 के विधानसभा चुनाव में इन 125 सीटों में से 90 सीटों पर टीएमसी ने जीत दर्ज की थी, यानी बंगाल की सत्ता में दीदी की वापसी मुस्लिम वोट बैंक की वजह से ही हुई थी। अरे तुम्हारे अल्फाज मेरी जूती पर, तुम मुझे कम्युनल बोलो, जिंदगी भर बोलो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं किसी का नहीं हूँ, ना कभी किसी का रहूंगा। दीदी के लिए यकीनन मुश्किल बड़ी है। खिलाड़ी भाईजानों में असली खिलाड़ी कौन है ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन दोनों का खेला दीदी के खेले का रंग खराब कर देगा, इसमें कोई दो राय नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो देखिए, क्योंकि अनुराग लगातार हमारे साथ बने हुए ग्राउंड जीरो से, अनुराग पीरजादा बात सिद्दीकी या फिर ओवैसी, ये बात तो ममता बनर्जी जानती है कि ये दोनों ही दीदी का खेल बिगाड़ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल प्रीति, इस बात को ममता बनर्जी बहुत अच्छे तरीके से जानती है और इसीलिए शायद भाषाई मर्यादा जो है या फिर भाषा का स्तर जो है वो ममता बनर्जी का गिरता रहा। कभी फुरफुरा शरीफ के लड़के कहते हुए शैतान उन्हें कह रही थी, तो हैदराबादी भाईजान को लेकर भी वो कह रही थी कि आप उन्हें वोट मत देना। और ये साफ तौर पर बताता है कि डर है ममता बनर्जी के अंदर इस बात को लेकर कि कहीं ऐसा ना हो कि ये दोनों जब अलग अलग चुनाव लड़ रहे तो इनके वोट जो है, जो ममता बनर्जी अपना मानती है, जो टीएमसी अपना मानती है, ऐसा ना हो कि इनकी पार्टियों को वो वोट चले जाए और उससे पूरे चुनाव में नुकसान हो। और यही वजह है, इनसे डर ही वजह है जिसके चलते ममता एनर्जी जो पूरा सेंट्रिक होकर चुनाव लड़ रही थी बीजेपी के खिलाफ, चुनाव के तीसरे फेज तक आते आते जितनी भी सभाएं होने लगी हैं, अब उनके जहन में फुरफुरा शरीफ के अब्बास पीरजादा भी है और दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी भी है। देखिए, भूलना नहीं होगा मुर्शिदाबाद के क्षेत्रों में जो कि मुस्लिम बाहुल इलाके हैं, जहां पर कांग्रेस और टीएमसी ये दोनों पार्टियां होल्ड रखती हैं, इन दोनों ही जगहों पर असदुद्दीन ओवैसी ने अपने 6 उम्मीदवार उतारे और ये 6 उम्मीदवार सिर्फ उन 6 विधानसभा सीटों पर ही असर नहीं करेंगे बल्कि असर करेंगे उनके आसपास के भी तमाम क्षेत्रों पर मुस्लिम वोटों पर। और ये देखते हुए ममता बनर्जी जो है वो जो तमाम गुणागणित जो उनके बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं, खासतौर पर मुस्लिम वोटों वाली पोलराइजेशन की राजनीति के, वो उसे लेकर बहुत ज्यादा स्ट्रिप होती जा रही है और अब इसको लेकर उनकी राजनीति जो है वो बदलती हुई इस तौर पर नजर आ रही है कि जो डर है वो सीधे मंच से नजर आने लगा है। वो अनुराग लौटेंगे आपके पास, लेकिन हमारे साथ प्रत्युष भी जुड़ चुके हैं। प्रत्युष, जो बयानबाजी हम सुना रहे हैं जो चुनाव प्रचार के दौरान लगातार देखने को मिलती है, लेकिन देखिए सीधा तौर पर तो इसे समझना होगा क्योंकि इसमें पिसती तो जनता है, क्योंकि ये तो वोट बैंक की राजनीति करते हैं। देखिए, अभी कल चौथे दौर का मतदान होगा, यानी कि आप समझिए कि पूरा चुनाव
हाफ फेस तक आकर खत्म हो चुका होगा, उसके बाद फिर चार चरण का और मतदान बाकी होगा। और जो जुबानी तलखी आपको देखने को मिल रही है वो टीएमसी की तरफ से या फिर बीजेपी की तरफ से, ये भी आगे आने वाले चरणों में और ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि अगर आपको वोटर्स को मतदाताओं की तक पहुंचना है, खुद को कनेक्ट करना है उनसे, तो आपको पॉलिटिशियन कहते हैं कि आपको इस तरह के नारे या फिर इस तरह की बातें करनी पड़ती हैं जो थोड़ा सा माहौल बनाए या फिर थोड़ा सा कंट्रोवर्सी क्रिएट करे। इन चीजों को लेकर के बंगाल में इस वक्त सियासी पारा इसी लिहाज से गर्म है। अब आप देखिएगा आने वाले समय में कुछ और ऑडियो टेप आएंगे, आने वाले समय में कुछ और तल्ख बयान आएंगे, आने वाले समय में पाकिस्तान बांग्लादेश तमाम चीजों की एंट्री होगी, क्योंकि कहते हैं कि बंगाल की सियासत में इन सब चीजों का भी बड़ा खेला होता है, जो पॉलिटिकल प्रत्युष इन चीजों का बड़ा खेला होता है, लेकिन जनता इन चीजों को देखेगी या वहां के काम को, विकास को, वहां के डेवलपमेंट को? हाँ जी बिल्कुल, देखिए डेवलपमेंट एक बड़ा, कोई माने या ना माने, लेकिन बंगाल में डेवलपमेंट एक बड़ा इश्यू बन चुका है, क्योंकि कटमनी, तोलाबाजी, करप्शन, ये इश्यूज हैं। आप यहां पर गरीब तबके से पूछ लीजिए, मिडिल क्लास से पूछ लीजिए या बिजनेसमैन से पूछ लीजिए, कोई कैमरे के सामने कहता है, कोई दबी जुबान में कहता है, वो कहता है कि हाँ ये प्रॉब्लम तो है। तो हम जब उनसे पूछते हैं कि ये चुनावी नारों में क्या नजर नहीं आता, क्यों नजर नहीं आता, बोले वो पॉलिटिकल पार्टियों को कहने दीजिए, वोट तो हमें देना है ना। तो ये कहीं ना कहीं ये सारी चीजें बता रही है कि इस बार टीएमसी की राह बहुत आसान नहीं है, जितना टीएमसी दावा कर रही है, कुछ भी हो सकता है। और इस बात से अनभिज्ञ टीएमसी और ममता दीदी भी नहीं है, इसलिए चुनाव प्रचार में वो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि बंगाल में। जी बिल्कुल प्रत्युष, आप बने रहिए हमारे साथ। अनुराग, आप भी जो भी तस्वीर वहां से सामने आएगी एक बार फिर से आपका रुख करेंगे, कोई अपडेट होगा तो। लगातार बंग की जंग से जुड़ी हर खबर जी हिंदुस्तान सबसे पहले आप तक पहुंचाएगा।